नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त पानीपत के जीटी रोड से हम लोग लाइव दिखा रहे हैं और हमारे साथ जितने भी आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये तमाम जो हैं ऑटो चालक हैं और ऑटो चालक परेशान हैं सबसे ज़्यादा पानीपत के होमगार्ड से। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी पावर पानीपत के होमगार्डों को दे दी गई है। तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और धीरे धीरे आप भी खबर को समझ जाओगे कि असली मसला क्या है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि होमगार्डों की शिकायत लेकर के ये तमाम लोग पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावंत से आज मिलने के लिए पहुंचे थे। क्या पूरा मामला है? अच्छा जी, हम सभी पानीपत के ऑटो चालक हैं और काफ़ी पुराने ऑटो चला रहे हैं हम, लेकिन जो आज के दिन पानीपत ऑटो चालक की स्थिति है, बुरी दशा है, वो हमने कभी नहीं देखी। इसका मेन कारण है, एक तो होमगार्ड जो पानीपत का है, जो ट्रैफिक पुलिस में है, उसकी वह स्थिति है कि ना तो उम्र देखता, ना व्यवहार उसका ऐसा व्यवहार है जैसे कि एक इंस्पेक्टर की वर्दी उनको मिल गई हो और हर पब्लिक से इतना भद्दा व्यवहार करते हो जिससे पूरा ऑटो चालक परेशान है। पानीपत के अंदर फोर लाइन पर ऑटो वाले को चलाया जा रहा है, हर जगह से फोर लाइन टूटी हुई है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि फोर लाइन पर ऑटो चल सके। अगर भूले से जी रोड पर ऑटो वाला आ भी गया तो 15-15, 20-20 हज़ार के चलान ऑटो वालों के काटे जा रहे हैं। बेरोजगारी फैली हुई है, ऑटो वालों की रोटी छीनने का भारी मतलब खतरा बना हुआ है। पानीपत के अंदर ऑटो वालों के कोई स्टैंड नहीं है। एक स्टैंड ले आता, हमने बड़ी लड़ाई करके लिया था प्रशासन से और दिया था, हमारे को दे रखा है। वहाँ पर रोटी और किरेड़ी लगाने वालों ने कब्जा कर लिया, नाजायज इको वाले ने कब्जा कर लिया। ऑटो वाले के साथ हर रोज झगड़े होते हैं वहाँ। मतलब मैं ऑटो यूनियन की तरफ से ये मांग करता हूँ कि एक तो ये होमगार्डों के जो चलान करते हैं होमगार्ड वाले, इनको चलान काटने से रोका जाए। बिल्कुल पावर नहीं उनको, सब इंस्पेक्टर से कम प्रकार की पावर नहीं है चलान काटने की। वो बाजदी चाबी निकालते हैं, भद्दा बोलते हैं पब्लिक को हरासमेंट करते हैं। ये इनको इनके हाथों से जो मशीन दी गई है इनसे खोसा जाए। ये हर चौक में मशीन लेके होमगार्ड वाला खड़ा रहता है और जो है ना पब्लिक के साथ व्यवहार खराब कर रहा है। दूसरा, पानीपत की फोर लाइन जो जगह जगह टूटी हुई है, इसको ठीक करवाया जाए। तीसरा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि पानीपत में कहीं पर भी ऑटो वाले को रोक के ये कह दिया जाता है कि नो पार्किंग का चलान काट कर दिया, आपको 500 रुपये दो। लेकिन हम पानीपत प्रशासन से ये जानकारी चाहते हैं कि पानीपत के अंदर जी रोड के आसपास में कहाँ जगह है ऑटो वालों की जो ऑटो वाला रोक के सवारी बिठा सके, उतार सके। आज तक हमें पता नहीं चला इसका कहाँ तक है। पानीपत के होमगार्ड से पानीपत के ऑटो चालक इतने परेशान हैं कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। घरों की रोटी पूरी नहीं हो रही है, किस्तें नहीं भरी जा रही हैं लोगों की, लेकिन ये बाज नहीं आ रही। हम पानीपत प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका ये सभी हालातों को देखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और पानीपत वालों को, ऑटो वालों को इंसाफ दिलाया जाए। अब बिल्कुल, मैं तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको तीन समस्या इनकी मेन है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि एक तो ये फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये भी इन्होंने पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावंत को दिखाया है कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ता जो पूरा का पूरा टूटा हुआ है। और इनको ऑटो जितने भी हैं पानीपत के अंदर चलते हैं उनको साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि आप जीटी रोड पर नहीं चलेंगे, आपको सिर्फ परमिशन दी गई है सर्विस लाइन पर चलने की, क्योंकि जो ऑटो के पहिए छोटे हैं, रास्ता टूटा है, जिसको लेकर के इनको घंटों इसी रास्ते पर गुजरने पड़ते हैं। टूट फूट भी होती है ऑटो की, साथ के साथ जो पहिए गाड़ी की टूट फूट के अलावा समय इनका ख़राब होता है और इससे बल्कि और ज़्यादा समस्या जाम की बनती है। पहला एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, यह आप तस्वीरें देखिए फिर से कि जब ऑटो वालों के लिए इतने सारे कानून बनाए गए हैं तो ये आप हर चौक चौराहे पर देख पा रहे होंगे। संजय चौक की बात करें, सनोली रोड की तरफ जो उत्तर प्रदेश की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ की बात करें, या गोहाना से गोहाना रोड से जो रोहतक की तरफ जो रास्ता जाता है, उन तमाम रास्तों पे ऐसे इको चालक निठल्ले और निर्भय होकर के तमाम जो लोगों को इशारा करके ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाते हैं। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या आखिरकार इनको क्यों छूट दी गई है, ये एक दूसरा सवाल। इसके अलावा तीसरा और मुद्दा है, इसके अलावा तीसरा एक और मुद्दा, ये दो मुद्दे हो चुके हैं। तीसरा मुद्दा ये फिर से मैं बताऊंगा
कि आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में ये जितने भी ऑटो यहाँ पर खड़े हैं, ये तमाम उत्तर प्रदेश, ये सनोली रोड जो रास्ता है और उत्तर प्रदेश यमुना की तरफ जाता है हैदराबादी की साइड से, वहाँ की तस्वीरें ली गई हैं। और इन्होंने इसकी भी शिकायत की गई है इनके द्वारा कि ये सब के सब ऑटो जितने भी हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं, बगैर परमिट के चल रहे हैं, जबकि ये पानीपत जिले के स्थानीय निवासी हैं। तो जब इनके ऑटो यहाँ पर नहीं चलने दिए जा रहे तो उनको परमिशन किस बात की दी गई है? और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि पानीपत में जो मैजिक चली हुई है, मैंने काफ़ी दिन से देखा, मैं देख रहा हूँ किसी के पास परमिट नहीं है सवारी ढोने का, पर्सनल गाड़ियाँ हैं इनकी, और पर्सनल होते हुए भी इस साफ नज़र आता है कि पानीपत पुलिस प्रशासन की तरफ से मिली भगत करके ये खुले धड़के से चलती हैं, जबरदस्ती उठा उठा के बिठा लेती हैं सवारियों के साथ, बदनाम मजाक को देखने को मिलता है इनके द्वारा। और एक चीज़ मैं और बताऊँगा, ऑटो वालों की तरफ से सुबह सात बजे से लेकर 10 बजे तक ऑटो वाले और मैजिक वाले फैक्ट्रियों की लेबर के बहाने मौत बांटते हैं, मौत एक एक ऑटो में, एक एक मैजिक में 15-15, 20-20 सवारियां भरते हैं, जिससे बाहरी हादसे का खतरा बना होता है। किसी प्रकार की किसी की कोई रोक टोक नहीं है। ये भी मैं मांग करता हूं कि सुबह 7 बजे से और शाम के सुबह 10 बजे तक और शाम के 6 बजे तक लेकर 9 बजे तक इनकी भी इंक्वायरी करी जाए, कितने कितने 15-15, 20-20 सवारी लाद कर ये पूरे सिस्टम को जाम कर देते हैं। इस खबर को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से आपको दिखा दूं उसी फोटोग्राफ को कि जहां पर ये ऑटो आप देख पा रहे हैं, इस माफ की जगह ये फोटो आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर देखिए आप तमाम जितने भी ऑटो हैं इनके प्राइवेट नंबर हैं HR11J, ये रोहतक साइड का नंबर है। तमाम जितने भी आपको ऑटो दिखेंगे, तमाम के तमाम गाड़ियाँ पर्सनल नंबर पर चलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से चलाई जा रही है, क्योंकि जो सवारियां बिठाने का काम करती है कमर्शियल नंबर उसके लिए होना चाहिए, दूसरा नंबर उस पर सीट निर्धारित की जाती है कि आप जो 5 सीटर गाड़ी है तो 5 सीट, जो 5 सवारियों से ज़्यादा नहीं बिठा सकते, 7 सीटर गाड़ी है तो 7 सवारियों से ज़्यादा नहीं बिठा सकते। लेकिन कानूनों को ताक पर रखकर यहाँ पर इन गाड़ियों में प्राइवेट नंबर गाड़ियों के अंदर, यहाँ पर आपको बता दें कि 15-15, 18-18 जिसके जो जितनी बनती सवारियाँ हैं, वो तमाम जो ये इको चालक हैं हर जगह से ऐसी सवारियाँ, और यहाँ का खाली पानीपत का ये मसला नहीं है, गन्नौर की बात करें, समालखा की बात करें, मुरथल, बहालगढ़, यहाँ से लेकर के दिल्ली जहांगीरपुरी तक ये लोग चलते हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड में बात करूँ तो जब इन लोगों से मैंने कुछ दिन पहले बात की तो इन्होंने कहा था कि हमारी मंथली तय होती है पुलिस वालों से और हर बत्ती का रेट यहाँ पर तय किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑटो लोन पर लेकर के 10-10, 20-20 रुपए की ये सवारियाँ पैसा इकट्ठा करते हैं अपने घरों का गुजारा करने के लिए, इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे मेन सवाल ये है कि आखिरकार पानीपत के होमगार्डों की इतनी पावर उनको क्यों दी गई है? और आपको मैं फिर से मैं बताऊंगा कि पुलिस वाला कुछ शांति से लोगों के साथ पेश आता है, व्यवहार से पेश आता है, लेकिन होमगार्ड सबसे ज़्यादा रूडली बात करता है। और हमेशा आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी देखते होंगे कि जहां पर भी चौक चौराहे पर पुलिस चेकिंग करती हुई नज़र आएगी, वहाँ पर उस टीम में 5-6 लोग होते हैं, उस टीम के अंदर उस टीम के पास जो मशीन होती है चालान काटने की, वो होमगार्ड के पास मिलेगी। आखिरकार उसको मशीन किसकी इजाज़त से दी गई है, ये एक अहम सवाल है। और इनके लिए जो जितने भी तमाम ऑटो वाले हैं, इनके लिए इनका मुद्दा उठाएंगे हम लोग, सिटी तहलका की अहम पहल रहेगी, और जो आला अधिकारी हैं उनसे भी, ट्रैफिक के जो DSP हैं उनसे सिटी तहलका की टीम बातचीत करेगी। फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।